होडल गौरक्षा दल के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम होडल एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। होडल एसडीएम कार्यालय पर गौरक्षक दल वालों ने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा। होडल गौरक्षक दल के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने ज्ञापन सौंपते हुए होडल से मांग की है कि गोपालगढ़ के दो तस्करों पर जिन 4000 का इनाम था एवं 5 केस वांटेड थे, जिनकी हत्या लहरू में हुई, जिसमें 5 गौ रक्षकों को पुलिस ने झूठे केस में फंसा दिया एवं गौ रक्षक श्रीकांत की पत्नी जिसके घर में 9 माह का बच्चा था, जिसकी पुलिस ने पिटाई की, जिसके कारण बच्चे की गर्भ में भी मृत्यु हो गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की सीबीआई जांच की जाए एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बच्चे की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। ज्ञापन देने वालों में गौरक्षा ट्रस्ट के हरियाणा एवं हिंदू स्वराज संगठन और समस्त हिंदू संगठन मौजूद थे। मेरा जी गौरक्षा ट्रस्ट में अध्यक्ष हूं जी। तो सब जी बताएंगे जो आज ज्ञापन दिया है जी, तो किसको ज्ञापन दिया है? आज एसडीएम साहब को होटल में ज्ञापन दिया है। जो गौरक्षक भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, उनकी निष्पक्ष जाँच हो, सीबीआई में जाँच हो, और उनके घर वालों को जो परेशान किया जा रहा है उनके खिलाफ ही हमने जो है आज एसडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है कि उनको निर्दोषों को ना फंसाया जाए और सही जांच की जाए। तो एसडीएम साहब ने क्या बोला? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अपने ज्ञापन को, आपके ज्ञापन को आगे सरकार को पहुंचाऊंगी और आपका जो ज्ञापन है उसको आगे पहुँचाने का काम करूँगी। आश्वासन दिया है कि सही जाँच होगी।